घर पहुंच गई है। तीन रुकनी तहकीकाती टीम की सरबराही डीएसपी गुलाम मोहम्मद बाकिर कर रहे हैं। तहकीकाती टीम में नए एसएचओ फयाज रांझा और मुतालिका सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। मजीद अपडेट लेंगे सरदार हमीद से। सरदार हमीद, इस केस से मुतालिक मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, साबिक चेयरमैन सेनेट मियां मोहम्मद सोमरू के जो बांझा आज कत्ल हुआ है, इस कत्ल की वारदात के बाद इस्लामाबाद पुलिस की जो तफ्तीशी टीम है वो इस वक्त मौका पर पहुंची है उनके घर में, जहां पे तहकीकात का आला सतह पर सिलसिला शुरू कर दिया गया है। मामले की तफ्तीश के लिए वफाकी पुलिस की जो तहकीकाती टीम है उसमें डीएसपी गुलाम बाकर और दीगर जो एहलकार शामिल थे वो उस घर में पहुंचे हैं और वहां पर मौका से शवाहद हासिल करने की कोशिश की जा रही है। और इसके साथ साथ जो गिरफ्तारियां अमल में लाई जानी है उसके लिए छापेमार कार्रवाइयां जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में शुरू कर दी गई हैं। पुलिस की गफलत की वजह से ये वाकया पेश आया। पुलिस के पास जब ये दोनों ग्रुप्स तस्वीर के लिए रात गए तो उन्होंने बजाय इस पर कार्रवाई करने के उनके दरमियान सुलह करा दी और एक जो लैंड देन करके जो है मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो थाने से निकले तो एफ10 की आम शराब पर यह वाकया पेश आया, जहाँ अंधाधुंध फायरिंग करके बैरिस्टर फाद मलिक जो मोहम्मद मियां सोमरू के जो भांजे हैं उनको मौका पर ही कत्ल कर दिया गया, जबकि तारिक मलिक जो हैं उनके दूसरे भाई वो शदीद जख्मी हैं और इस वक्त भी टीम अस्पताल में जेरे इलाज हैं। और तहकीकाती टीम मकतूल के घर पहुंच गई है और तफ्तीश की जा रही है। सरदार हमीद, अपडेट्स के लिए शुक्रिया।